आजकल एक टॉपिक बहुत ही जोरों पे चल रहा है, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। दोनों ही बहुत अच्छे प्लेसेस हैं और इंडिया में तो मालदीव काफ़ी फेमस है डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने वहां पर अपनी फोटोज शेयर की हैं तो इंडियंस भी शॉक्ड हैं कि क्या इतनी सुंदर जगह इंडिया में भी है जहाँ हमने आज तक विजिट नहीं किया और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बहुत से लोग शायद लक्षद्वीप का नाम तो जानते हैं पर उसकी ब्यूटी और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास है नहीं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहेंगे, लक्षद्वीप या मालदीव्स। तो दोनों ही टूरिस्ट जगह है और मालदीव इंडिया में बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। छुट्टियां बिताने के लिए इंडिया से करीब 2 लाख लोग हर साल जाते हैं, काफी इंडियन प्रेफर करते हैं। तो अगर मालदीव के इतिहास के बारे में बात करें तो मालदीव 1887 में ब्रिटेन के संरक्षण में था, 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ और 1968 में एक राष्ट्रपति गणराज्य स्थापना हुई थी। इसमें 26 नेचुरल द्वीप हैं और 1194 द्वीप हैं। मालदीव में निकटतम पड़ोसी अगर हम कहें नेबरिंग कंट्रीज तो इंडिया है, श्रीलंका है और ब्रिटिश हिंद महासागर के क्षेत्र आते हैं। मालदीव लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें से 2200 बस्तियाँ हैं। मालदीव पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है, खासकर अगर हम टूरिज्म उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट का डेटा देखें और उनको एनालाइज करें तो भारत से हर साल 2,05,000 लोग मालदीव जाना प्रेफर करते हैं, चाइना से 1,85,000, रूस से 2,03,000, जर्मनी से 1,32,000, इटली से 1,11,000 और अमेरिका से 73,000 के नियर अबाउट लोग हर साल वहाँ विजिट करते हैं। मालदीव इंडिया से सिर्फ 2 आवर्स की जर्नी पे है बाई फ्लाइट और मालदीव टूरिज्म के अनुसार वहाँ पर 175 रिजॉर्ट्स हैं, 865 गेस्ट हाउस हैं, 156 जगह जहाज हैं और 280 डाइव सेंटर्स हैं और 763 ट्रैवल एजेंसी हैं। तो और इवन इंडिया में भी बहुत सी ट्रैवल एजेंसीज बहुत बम्पर ऑफर प्रोवाइड करती हैं मालदीव विजिट के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं कि मालदीव कितना डिपेंडेंट है अपने टूरिज्म के लिए, टूरिज्म पर, और वहाँ पर उन्होंने उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में बहुत काम भी किया हुआ है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नाम मलयालम और संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप भारत के सबसे छोटे संघ राज्य क्षेत्र में है, यह इसका एरिया 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 10 बसे हुए द्वीप हैं, 17 निर्जन द्वीप हैं और 4 नवगठित आइलेट्स हैं, 5 जलमग्न रीफ शामिल हैं और एक डेटा के हिसाब से यहाँ पर 64,000 की आबादी रहती है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है और केरल के तटीय शहर कोची से 220 से 440 किलोमीटर दूर है, पन्ना अरब सागर में स्थित है। इसका मेन व्यवसाय, यहाँ के लोगों की जीविका का मेन साधन अगर बात करें तो है मछली पकड़ना, नारियल की खेती और यहाँ से टूना फिश का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो लास्ट ईयर यहाँ सिर्फ 25,000 लोगों ने विजिट किया था जो मालदीव से 8 गुना कम है। मालदीव और लक्षद्वीप दोनों की रेत सफ़ेद है, दोनों ही बहुत सुंदर बीच हैं पर व्यवसाय और फैसिलिटी के हिसाब से मालदीव ज़्यादा आगे है क्योंकि वह काफ़ी समय से फेमस है। लक्षद्वीप कोची केरल से पहुंच जाता है और यहाँ पर्यटक भारतीय हों या विदेशी सबको परमिट लेना ज़रूरी है। परमिट के लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पर अपनी डिटेल्स, अपना आइडेंटिफिकेशन डालिए, 15 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपको मेल पे आपका परमिट आ जाता है। लेकिन परमिट के बाद विदेशी लोग सिर्फ अगत्ती, बंगाराम, कदमत द्वीपों को ही जा सकते हैं, हम इंडियंस सभी बीचेस को घूम सकते हैं। आखिर ये जो सिंथोसिंग स्टार्ट हुई है इसका क्या इम्पैक्ट है और हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो कंट्रोवर्सी, लेकिन इस बहाने लक्षद्वीप काफ़ी हाइप मिल रहा है और लक्षद्वीप हम इंडियंस जो बहुत से इंडियंस हमें पता भी नहीं था कि मालदीव जैसे सुंदर बीचेस या उस इतने सुंदर बीचेस हमारे इंडिया में भी हैं तो लक्षद्वीप को काफ़ी हाइप मिल रहा है और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम भी लक्षद्वीप भी काफ़ी फेमस हो, वहाँ पर उनकी इनकम के ज़रिए में एक टूरिज्म भी ऐड हो जाए क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी जी की फ़ोटोज़ आई हैं और वो द्वीप, वो जगह इतनी सुंदर लग रही है कि विज़िट करना तो बनता है।
पर किसी भी दो जगहों को कंपेयर करना जस्ट फॉर सम कंट्रोवर्सी कि ये ज़्यादा सुंदर है या वो बुरा है, ये इट्स नॉट गुड, क्योंकि दोनों ही जगह, हर जगह की अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है और दोनों ही बहुत सुंदर हैं और दोनों ही घूमना चाहिए सुंदरता के नज़रिए से। तो आप बताइए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तो लक्षद्वीप ज़रूर घूमना चाहूँगी क्योंकि इंडिया में है, तो अपनी जगह के टूरिज्म को बढ़ावा देना अच्छी बात है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं,